हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे टिंडे की सब्जी। मैंने यहाँ पे आधा केजी टिंडा लिया है, उनको धो करके अच्छे से साफ करके कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 8-10 हरी मिर्ची। मिर्ची बिल्कुल छोटी छोटी है इसलिए ज़्यादा ली हूँ। ये लिया थोड़ा अदरक लहसुन। यहाँ पे हम थोड़ा मसाला को कूटेंगे। 1 चम्मच लिया है साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ। सभी चीज़ों को हम कूट लेंगे अब एक बार। अभी हम डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और इनको भी कूट लेंगे। हमारे मसाले कुट करके एकदम रेडी हैं। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है, चम्मच जीरा। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ मसाला, भून लेंगे इसको अच्छे से। अब हम डालेंगे टिंडे। टिंडे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी और डाल दिया है ताकि ये चिपके ना नीचे। मसाले कूटे थे अदरक लहसुन, अब उसको धो करके थोड़ा डाल देंगे। 2-3 चम्मच पानी डालना, ज़्यादा नहीं। मिक्स कर लेते अच्छे से और वापस ढक्कन लगा देंगे इसको। ढक्कन लगा करके धीमी गैस पे पकाएंगे। अभी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं और अब डालेंगे हम इसमें नमक और हल्दी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कूट कर डाले हुए मसालों की। आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। अब डालते हैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक 1.5 चम्मच, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, और वापस ढक्कन लगा करके 10-15 मिनट पकाएंगे। टिंडे की सब्जी के साथ मैं बनाऊंगी मिलेट्स की रोटी। इसके लिए लिया है मैंने आटा, मिलेट्स आटा लिया है। अब डालेंगे इसमें नमक और इसको मैं गर्म पानी से गूंथूंगी। पानी बॉईल हो रहा है, गर्म पानी से लगाएंगे इस आटे को। नमक को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सब्जी को भी चेक कर लेते हैं बीच में। हमारी सब्जी घी छोड़ने लग गई है, देखिए। अभी और 10 मिनट लगेगा इसको पकने में। ये पानी अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें आटा लगाएंगे। हमें इसको थोड़ा गीला करके छोड़ देंगे 1/2 घंटा के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो गीला हो जाएगा ये। हाथ नहीं डालना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 1/2 घंटा के लिए। ढक्कन लगाकर 1/2 घंटा का रेस्ट देते हैं। थोड़ी कमी है सब्जी में,
थोड़ी देर और चलाते हैं इसको, थोड़ी देर पकने देते हैं। फिर से ढक्कन लगाकर थोड़ी देर और पकने देते हैं। अभी सब्जी हमारी रेडी नहीं हुई, सब्जी हमारी पक कर के बिल्कुल रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े मसाले और, देखिए सब्जी एकदम रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा जीरा पाउडर, पानी को उबाल लिया है मैंने, उबला हुआ पानी डालेंगे थोड़ा। एक गिलास के करीब पानी डाल दिया है मैंने, अभी इसको 2 मिनट और पकने देंगे। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, अभी हम करते हैं गैस बंद। आटा को आधा घंटा हो गया है, अब हम इसको मसल करके गूथ लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो आटा हमारा बहुत लूज हो जाएगा, पानी बहुत कम लेता है आटा। अच्छे से गूंथ लेंगे आटे को, थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि आटा हमारा एकदम अच्छे से चिकना हो जाए। घी या तेल जो भी आपकी इच्छा हो लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे घी का यूज किया है। देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी है, अभी इसको थोड़ा चिकना करके छोड़ देते और 5 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे रोटियां। हमारा आटा एकदम रेडी है, अब हम बनाएंगे रोटियां। आटे से पेड़ा बना लिया मैंने, अभी लगाएंगे थोड़ा सूखा आटा। और हल्के हाथों से बिल्कुल इसकी रोटी बनानी है। नहीं तो रोटी फट जाएगी ज़्यादा दबाव देंगे तो। देखिए बिल्कुल गोल रोटी रेडी हुई है हमारी, रोटी रेडी है। ऐसे ही हमने दूसरी रोटी को भी बेल लिया है। देखिए कितने अच्छे से सिक रही है हमारी रोटी, ऐसे ही सभी रोटियों को बना लेंगे। देखिए रोटी फूल गई है, फुली फुली रोटी बनेंगी, बस आटा अच्छे से लगाना मसल मसल करके। जितना अच्छा आटा गूंथेंगे उतनी अच्छी रोटियां बनेंगी। रोटी बिल्कुल ध्यान से डालना, अगर आप ज़ोर से रोटी ऐसे डाल देंगे तो बबल्स आ जाएंगे और रोटी हमारी अच्छी नहीं बनेगी, तो बिल्कुल ध्यान से रोटी डालना।